आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आँखों को, सुनते कानों को, दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आपका भाई मज़र इकबाल आपके पेशे खिदमत एक नई वीडियो लेके हाजिर हो चुका है। अच्छा जी, आज माशाल्लाह तीन डिलीवरियाँ जा रही हैं और पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको पर्चियाँ दिखाता हूँ, जो पर्चियाँ बन चुकी हैं। और ये देखें जी, ये पैकिंग हो रही है और ये देख लें, ठीक है, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, एक ये बाहर रहते हैं, तो ये मेरे बहुत ही पुराने ही कस्टमर हैं, तो हमेशा इनके पास मेरी चीज़ें जाती रहती हैं, कभी अंडे, कभी तितर, कभी पट्ठा, कभी बच्चा, कभी मादी, तो ये बहुत पुराने कस्टमर हैं मेरे। उसके बाद जनाब ये एक मेरा भाई है, ये ड्राइवर है, तो उनका ही कोई दोस्त है ड्राइवर, वो इधर से हमारे रोड के पास से गुजर के जा रहा है, तो ये उसको जाना है लक्का तितर, ठीक है। उसके बाद ये एक पिंडी जाना है, पिंडी भी माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा माल जाता है, तो ये एक भाई उधर पर्ची वाला कोई ठेकेदार है, तो वो मंगवा रहा है ये एक दोस्त। तो ये तीन डिलीवरियां जो है रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है ना डब्बे जो है ना इनको तैयार किया जा रहा है, इनको जो है ना हमेशा देखें, ये हमने डिलीवरी वाले जो डब्बे होते हैं स्पेशल जो है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा काम देते हैं। क्यों, अभी ये देखें टेप लगाई जा रही है, आजकल सर्दी चल रही है तो ये हम सुराख कभी नहीं खोलते, ये ना डब्बों के चारों साइडों पे ये एक एक सुराख होता है, तो गर्मी के अंदर हम ये सुराख खोल देते हैं कि यानी कि परिंदे को हवा लगे, हवा की क्रॉसिंग हो, तो ये गर्मी के अंदर खोल देते हैं और सर्दी के अंदर ये बंद ही रहने देते हैं। सर्दी के अंदर आपको पता है कि सर्दी जो है ना वो कहीं भी घुस जाती है, और गर्मी के अंदर ये होता है कि गाड़ियों की हीट होती है, ऊपर से गर्मी होती है, तो परिंदे का जो सांस होता है ना वो रुक जाता है, तो इसलिए ये वाले सुराख गर्मियों के अंदर हम खोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे डिलीवरी वाले ये स्पेशल डब्बे हैं, यानी कि ये हम जो फ्रूट नहीं बेचते, जापानी फल हो गया, खरमानी वगैरह हो गई, ये उनसे हम डब्बे लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने है, पैकिंग चल रही है, डब्बे अभी नीचे से तैयार किए जा रहे हैं, नीचे से जो है ना इनको कुछ इस तरह से हम टेप लगाते हैं चारों साइडों से, ठीक है। तो फिर इसके अंदर बाजरा या कोई दाना डाल के अंदर परिंदा रख के ऊपर से फिर बंद करके ऊपर फिर पर्ची लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सामने कौन कौन से डब्बे में कौन सा परिंदा डालेंगे ये आज आप मुकम्मल दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका भाई हमेशा आपके फ़ायदे के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता है। तो कोई भी मेरा भाई होता है ना, हमेशा जो है ना चीज़ मेरे से जब लेते हैं पहली दफ़ा, तो वो थोड़ा डरते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा जो है ना फ्रॉड करने पे लगा हुआ है, दो नंबरी करने पे लगा हुआ है। दाना ये देखें, ये अभी दाना सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, ये देखें, तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, सर्दी भी है, देख रहे हैं, ये अंदर दाना डाल दिया, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं फ्रॉड करते हैं, अपने कारोबार को तबाह कर लेते हैं, लेकिन हमारा काम, हम अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो जो कारोबारी बंदा होता है वो हमेशा अपने कारोबार को तवज्जो देता है, पैसे को नहीं तवज्जो देता। तो मेरी हमेशा कोशिश होती कि यार मैं अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाऊँ। तो ये सारा कुछ आपको इसलिए दिखाता हूँ कि यार मेरे से कोई भी बंदा चीज़ लेता है ना, तो इंशाल्लाह उसके पैसे तब तक हमारे पास अमानत होते हैं जब तक उसकी चीज़ उसके घर पे डिलीवर नहीं हो जाती, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना मादी डालते हैं बड़ी, ये आज़ाद कश्मीर का मेरा एक दोस्त है, उसके लिए ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर देता।
अच्छा जी, ये देख लें, माशाल्लाह बड़ी मादी जा रही है। ठीक है ठीक है, पैकिंग करें। फ़ोन भी आ रहा है, ये वो ड्राइवर जो है उसका नंबर, उसका फ़ोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी कर। थोड़ी जी टेप फालतू कटिया करना यार, वो हर दफा फिर जल्दी ना लेंदे ते वह पर्ची पकड़ जिंदे उत्ते एफ लिखा है। कोटली वाली है ना? अच्छा, ज़्यादा जब डिलीवरियाँ आ जाती तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि यार इसके अंदर कौन सी चीज़ जानी, क्या जाना है। तो अभी ना मैं साथ जब पर्ची तैयार करवाता हूँ तो साथ ये ना छोटा सा लिखवा लेता हूँ ताकि याद रहे कि इसका क्या जाना है। अभी ये देखे फीमेल थी, मादी, तो ऐप लिख दिया। तो जिनका ये लक्का था, ये गांगस है, तो ऊपर साथ साथ वो लिखा हुआ है कोने पर। अच्छा जल्दी करके ना, वो लक्का दे चुका पट्टा जी। अस्सलाम वालेकुम। ठोकर ते खलोना कोई नहीं? नहीं नहीं, उन्हें कोई खलोना नहीं, ठोकर ते नहीं, मैं कह रहा चूंग। नहीं नहीं, मैं कह भी उन्हें खलोना कोई नहीं, टूटे ही अंदर भी ना उन्हें आ जाना मुंडे ने, तो ये बात भेज दे वो। ठीक है बस मैं काट रहा था। दूसरा मैंने ये दसो कि वो वैगन हैगी है या वड्डी बस है? चलो ठीक हो गया। ठीक है, मैं बस भेज रहा मुंडे नू। चूंग ते पौड़ी को नहीं लगी हुई, वो खत्म हो गई भाई जान, वो खत्म हो गई है। ओनू कहना के चूंग चूंग ते जेड़ा दूसरा कट है ना, एक पहला कट आंदा, एक दूसरा कट आंदा चूंग दा। दूसरे कट दे अगे मुंडा खड़ोता होएगा ते ओथे ओ तां पकड़ा देगा, लाल कलर दी उन्हें जैकेट पाई हुई है, ते मुंडे दा नंबर भी मैं तैनू सेंड कर देना। चलो ठीक है, मैं सेंड कर। ओके ओके चल यार, पैक कर जल्दी कर। तेरा नंबर इन सेंड कर दिया पहले। उन्हें ठोकर ते रुकना कोई नहीं गा। अच्छा इन्दे चु एक गांगस काट जल्दी ना, इन्दे चु जल्दी काट, आ जल्दी का, हाँ हाँ तो काट ना। सिलाई बाद ही ला लें यार, छट दे करी जल्दी ना लेंदे चुको।
ठीक है जी, आपके सामने मुकम्मल पैकिंग हुई है, तीनों डिलीवरियों की मुकम्मल पैकिंग। ठीक है, इसमें मादी, इसमें वो लक्का जा रहा है, उसमें वो बड़ा गांगस है। ठीक है, और ये जनाब ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद किसी ने कोई चीज़ लेनी हो तो भाई के साथ रब्ता कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो ड्राइवर वाली गाड़ी थी ना, जिसको लक्का तितर दिया, उसने रिक्वेस्ट की थी मज़र भाई दो कुपियाँ भेजना है, वो भूल गया था मैं डिलीवरी के साथ देना। तो अभी लड़के को फ़ोन किया, वो वापस आ रहा है, ये देखे सामने, और गाड़ी का टाइम भी हुआ हुआ है, कहीं गाड़ी निकल ना जाए। जल्दी से पकड़ो, जल्दी यहाँ से दे देना गाड़ी वाले को।